हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सोनी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीपक सोनी ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में आपके लिए क्या नया लेके आया हूं, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ब्लॉग। मैं पहुंच चुका हूं अपने आज के लोकेशन, जो कि है स्ट्रीट फूड कॉर्नर। और इसके बारे में तो सबको पता होगा, भिलाई के लोगों को, भिलाई से जो बाहर से रहने वाले हैं ना उनको नहीं पता होगा। ये है अपना फूड ट्रक, सिविक सेंटर में लगता है ये, सेक्टर 6 एरिया में। और बहुत ही शानदार टेस्ट रहता है इनका। और अभी अपन चलते हैं अंदर, टेस्ट करके देखेंगे, कुछ ना कुछ स्पेशल लगवाते हैं यहाँ पे। आपको मैं इनका मेन्यू भी दिखा देता हूँ और किस तरीके से यहाँ फूड ट्रक में सामान बनाया जाता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। नॉन वेज कैटेगरी में और वेज कैटेगरी में दोनों में मिल जाएगा आपको ये अवेलेबल, ठीक है। मुझे भी बहुत दिन हो गया खाया यहाँ पे, बहुत पहले खाया था मैं और जनरली चिल्ली खाया था, आज कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। तो इस टाइप का लगता है सिविक सेंटर में अपना फूड ट्रक। और इनके पास में देखिए, आपके पास बहुत सारे आइटम रहते हैं, तंदूर से लेके बटर रोटी और तंदूरी रोटी तक सारे आइटम रहते हैं। और ऐसे एक ही ट्रक नहीं है, ऐसे करके कई और ट्रक यहाँ पर लगते हैं और इसी प्लेस में लगते हैं। एड्रेस सबको पता होगा ये सिविक सेंटर के पास में। इस तरीके से आपको यहाँ पर सिटिंग स्पेस भी मिल जाता है, डाइनिंग की सुविधा है, जहाँ पे आप लोग यहाँ बैठ के आराम से दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए खा सकते हैं। और अपना फूड ट्रक तो वहाँ बन रहा है खाना। चलिए अपना मेन्यू दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ का क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या मिलता है यहाँ पर। चाइनीज़ से लेके आपको मेन कोर्स तक के आइटम यहाँ पर अवेलेबल है, बिरयानी वगैरह भी है। चलिए यहाँ का मेन्यू दिखाता हूँ आपको। एट प्रेजेंट जो मैं फूड ट्रक में खड़ा हूँ उसका नाम है लता मील्स ऑन व्हील्स, है ना। आप लोग यहाँ आएंगे ना तो आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। और देखिए स्टार्टर यहाँ पे वेज सूप, चाइनीज़ वेज सबसे चालू है। और साथ में यहाँ पे इनका मेन कोर्स भी है, मेन कोर्स दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं। तो ये इनका मेन कोर्स का आइटम, चिकन बिरयानी से लेके कबाब का भी आइटम आपको अवेलेबल है, रोस्ट भी अवेलेबल है, साथ में तंदूरी रोटी वगैरह का भी ऑप्शन है यहाँ पर। चलिए अपने लिए कुछ लगवाते हैं यहाँ पर। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं अपना बटर नान विथ बटर चिकन कैसा टेस्ट देता है। बाकी यहाँ का टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त रहता है, मैंने पहले भी टेस्ट किया है, एक बार बाइट लेके देखते हैं।
बटर चिकन इनका जो बाकी जगह जैसे बटर चिकन बोलने से वो मीठा दे देते हैं, वैसा मीठा है नहीं, प्रॉपर टेस्ट है। मतलब टेस्ट में ना अभी तक इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है यहाँ के टेस्ट में। और आपको यहाँ पर जो बटर चिकन में जो पीस दिया जाता है ना वो थोड़ा सा ना कीमा टाइप का दिया जाता है, तो टेस्ट जो है ना बहुत बढ़िया आता है। टुकड़े टुकड़े में दिया जाता है, छोटा छोटा स्लाइस रहता है उसका। और टेस्ट की बात करूँ तो बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट फेल है अगर आप यहाँ पर आके खाएंगे तो। और साथ ही साथ में ना आपको ये सुविधा है कि यहाँ का जो प्राइस है ना वो एकदम ही अफोर्डेबल है, आप बिल्कुल यहाँ पर आके टेस्ट कर सकते हैं। और भिलाई के लिए कई लोगों ने तो आके टेस्ट भी किया है, पर ज़्यादातर लोग यहाँ चाइनीज़ खाते हैं। पर अपन आज एक लंच टाइप का अपना निकाले हैं, बटर रोटी और चिकन बटर मसाला। चिकन बटर मसाला जो मैं टेस्ट करके देख रहा हूँ ना वो एकदम ही फ्रेश है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बचा हुआ चिकन जो रहता है ना अगले दिन का वो दे दिया गया है, उस टाइप का नहीं लगेगा। बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रहा है चिकन यहाँ का, वैसे ही चिकन पसंद आता है। और साथ में ना पूरे तरीके से गला हुआ है, बोलते हैं ना पका हुआ चिकन अच्छे से, वो है प्रॉपर कुकिंग। देखना है तो अपना स्वीट सेंटर आइए और यहाँ के फूड ट्रक में देखिए प्रॉपर अगर आपको कुकिंग देखना है तो, कि छोटे से ट्रक में इतना सारा वैरायटी कैसे दे रहे हैं ये। ये एक मिनी रेस्टोरेंट की तरह है पर जो टेस्ट है ना यहाँ का वो एकदम ही लाजवाब है। मिनी रेस्टोरेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये छोटे से ट्रक में सेटअप करके पूरा फूड बनाया जाता है यहाँ पर। आप लोग आके देखेंगे ना तो आप लोगों को खुद यकीन नहीं होगा कि इतने से ट्रक में इतना सारा वैरायटी कैसे दे पा रहे हैं ये। और चिकन के ग्रेवी आइटम में बोलूँ ना तो सारे ही चीज़ हैं, और जो ग्रेवी का जो टेक्सचर होता है ना वो भी एकदम प्रॉपर है। बहुत सारे रेस्टोरेंट में आपने खाया होगा जहाँ पर अगर चिकन ग्रेवी लेते हैं ना आप तो ग्रेवी का टेस्ट जो है ना उतना मज़ेदार नहीं रहता, वो एकदम थिकनेस जो है ना पतला रहता है, तो वैसा ग्रेवी मज़ा नहीं आता। थोड़ा टेक्सचर जो है ना थोड़ा गाढ़ा रहना चाहिए तब मज़ा आता है ग्रेवी खाने में, तो आपको यहीं मिलेगा सिविक सेंटर पे। मैं चाहता तो बहुत पहले दिखा देता आपको ये, पर बाकी जगह भी एक्सप्लोर करना था, उसके बाद बीच में मेरे को ये लाना था सिविक सेंटर का फूड ट्रक। और ये बहुत ही शानदार जगह है आप लोगों के खाने के लिए, तो आप लोग आके जरूर यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। चलिए ये सब ख़त्म करता हूँ फिर आपको मिलता हूँ। तो मैंने जो टेस्ट किया है वो उस फूड ट्रक का नाम है मील्स ऑन व्हील्स है ना, और लता फूड ट्रक के नाम से है ये। तो आप लोग भी आ सकते हैं, अगर आप ये गार्डन होगा ना सिविक सेंटर का वहाँ से आप आते हैं ना तो आपको ये दिख जाएगा, ये फूड ट्रक है मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग आइए जरूर यहाँ पर टेस्ट करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना कि आप लोगों में से कौन कौन आके यहाँ पर टेस्ट किया है, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।